इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्शन वाई एयरमैन फॉर्म भरने में आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप उसे एकदम परेशान ना हो। हमारे पास बहुत सारे मेल आए स्टूडेंट के, उन्होंने कहा कि सर हमें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, हमने कुछ एरर कर दिया या फिर हमारा पेमेंट सक्सीड नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी हो सकता है फ्यूचर में CASB की साइट, मीन्स इंडियन एयरफोर्स की साइट, आपको आगे एडिट का ऑप्शन दे दे, जिससे ताकि आप आगे एडिट कर सकें और उसे अपना जो आपने जो भी आपने एरर किया है फॉर्म भरने में, उसको आप रेक्टिफाई कर सकें। और दोस्तों, कई दोस्तों के मेल आए हम लोगों के पास, जिन्होंने कहा कि सर हमें मेरा पेमेंट सक्सीड नहीं हो पाया, सर मैंने अपनी जीमेल आईडी गलत डाल दी या फिर आधार कार्ड नंबर गलत डाल दिया। उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली एकदम निश्चिंत आराम से बैठिए, सब ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपना लेके बैठिए और मेरी सलाह मानिए, आप खुद फॉर्म भरिए। साइबर कैफे के भरोसे ना रहिए, आप खुद ही फॉर्म भरें और अपने सामने फॉर्म भरें, ताकि आप सब कुछ ओरिजिनलिटी में डाल पाएं, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से डाल पाएं। और जैसे कि आप पेमेंट सक्सीड आपका नहीं हो पा रहा, तो आप आपके पास एक ऑप्शन है उसके लिए कि आप 48 घंटे का वेट करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार ही सर्वर के कारण, पेमेंट गेटवे के सर्वर के कारण आपके पास आपका पेमेंट सक्सीड नहीं हो पाता। ये पर्टिकुलर इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं है, आप ऐसे किसी में भी ऐसा होता है, अमेजोन पे होता है, फ्लिपकार्ट पे होता है, कई बार ऐसा होता है। उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, आप बड़े ही आराम से पेमेंट अपना करें। अगर आपको पेमेंट आपका फंस जाता है या फिर बीच में सक्सीड नहीं हो पाता, अभी भी आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाता है इंडियन एयरफोर्स में, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप एक काम करिए, 48 घंटे का वेट करिए। अगर 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट तब भी सक्सीड नहीं होता, तो आपके पास फिर एक ऑप्शन है, आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वीडियो में मेंशन की गई है, आप इसमें भी मेल कर दीजिए। अगर और मेल के बाद हमें पूरा भरोसा है कि इंडियन एयरफोर्स के कस्टमर सपोर्ट, कैंडिडेट सपोर्ट वाले आपको मेल जरूर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। और अगर अगर आपका पेमेंट सक्सीड के पहले ही कहीं फंस गया है, जैसे कि आपने कुछ एरर कर दिया है और जो कि अगर रेक्टिफाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी न्यू मेल आईडी से आप नई मेल आईडी बना लीजिए, आप उसके थ्रू फिर से अप्लाई करिए। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स, कि आप अपने सामने भरें और खुद भरें और एकदम ओरिजिनलिटी परफेक्शन के साथ भरें, ताकि कोई एरर ना हो। और किसी भी अन्य हेल्प के लिए आप sarkarexam.com पे आते रहें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू। अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब, विजिट कीजिए अभी sarkarexam.com। देश के सभी सरकारी विभागों की वैकेंसी की जानकारी अब सबसे पहले पाएं sarkarexam.com पर।